राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच सड़क पर आया टकराव। गहलोत समर्थक मंत्री के कार्यक्रम में लगते रहे पायलट के समर्थन में नारे। पायलट का दावा, राजनीति में जो दिखता है होता उसके उलट है। खुद को ऐसा जादूगर बता रहे हैं गहलोत जिसका जादू चलता रहता है। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा चलते ही राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थक एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव ही नहीं, अब तो वो हमलावर भी हो गए हैं। इसका नजारा दौसा में दिखाई दिया। राजस्थान सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश दौसा के सिकराय में निहालपुरा अचलपुरा गांव स्थित देवनारायण मंदिर पहुंची थी। ममता को गहलोत समर्थक माना जाता है। वो मन से भाषण दे रही थी तो भीड़ में पायलट के समर्थक नारे लगा रहे थे। थोड़ी देर तक तो उन्होंने भीड़ को नारेबाजी बंद करने के लिए कहा, लेकिन जब नारेबाजी तेज होती गई तो वो मन से चली गई। भीड़ में मौजूद लोगों ने 500 मीटर तक उनका पीछा भी किया और लगातार नारेबाजी करते रहे। दावा किया जा रहा है कि नारेबाजी करने वाले लोग गुर्जर समुदाय से थे, जो राज्य के सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर दिए जा रहे बयानों से नाराज थे। दरअसल छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के हार के बाद से ही राजस्थान में गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच जंग सी छिड़ गई है। अब तक शांत रहा पायलट खेमा अचानक ही आक्रामक हो गया है और ये पायलट समर्थक विधायकों के बयानों में भी झड़कने लगा है। पायलट भी इशारा दे रहे हैं कि वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, लेकिन इस बार वो मानेसर नहीं भागेंगे बल्कि जयपुर में ही रहकर संघर्ष करेंगे। सचिन पायलट ने हाल ही में कहा था कि जो हाईकमान कहेगा वो निर्देश सब नेताओं को मानना होगा। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं। उनके इस बयान की भी काफी चर्चा है। वहीं बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट की दावेदारी पर तंज कसते हुए कहा था कि प्रदेश के अंदर मेरा जादू परमानेंट है, मैं परमानेंट जादूगर हूँ, मेरा जादू अपने आप चलता है, मेरा जादू अलग तरह का जादू है, वो जादू देख लीजिए आप। गहलोत भले ही जादू की बात कर रहे हों, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार उनका जादू पार्टी के अंदर ही चलता नहीं दिख रहा है। पार्टी के अंदर उन्हें खुली चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। विराटनगर से कांग्रेस विधायक इरदाज गुर्जर ने तो पायलट का साथ ना देने वाले विधायकों को गद्दार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिस समय जिन लोगों को पायलट की याद आती है, चुनाव के बाद वो सब भूल जाते हैं। जब पायलट को विधायकों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो मानेसर गए, तो वहां अकेले पड़ गए। मेरे जैसे कुछ विधायक थे जो उनके साथ डटे रहे, लेकिन बहुत से विधायक गद्दारी कर गए। जो गद्दार हैं उसे जनता सबक सिखाएगी। इंद्राज के बयान से साफ है कि पायलट ने गहलोत के खिलाफ जो बगावत की थी उसमें कुछ भी गलत नहीं था, जबकि गहलोत लगातार इस बगावत को लेकर पायलट पर निशाना साधते रहते हैं, जबकि पायलट वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता दिख रहा है, पायलट मुखर होते जा रहे हैं और अब वो शक्ति प्रदर्शन का मूड बना चुके हैं। और इसके लिए उन्होंने तारीख चुनी है 6 सितंबर की। 6 सितंबर को सचिन पायलट का जन्मदिन है और इस दिन वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उनके समर्थकों ने बड़ी रैली की तैयारी भी कर ली है। सचिन बड़ी रैली के जरिए पार्टी हाईकमान तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि राज्य में उनकी कितनी ताकत है। इसलिए पायलट के जन्मदिन पर इस बार गहलोत गुट की भी नजरें टिकी हुई है। नजर तो बीजेपी की भी लगी हुई है। उनकी नजर पायलट और गहलोत के बीच चल रही लड़ाई में अपना फायदा तलाशने में लगी है। जिस तरह से पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई चल रही है, इसमें सुलह का रास्ता नहीं तलाशा गया तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पेश होने वाली है। चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है और छात्र संघ चुनाव कांग्रेस कैंप में पहले ही खतरे की घंटी बजा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, धनोदर्पण न्यूज़।